जिन पर डोंगरगढ़ में नव ध्वज स्तंभ, सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, पूर्व विधायक सरोजनी बंजारे, सीएमओ आशीष तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष तरुण कुमार हाथेल, यूथ ऑफ इंडिया के सदस्य अनुज दामनी, संचित जैन, नेमिश अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, मोहम्मद अबरार, सौरभ अग्रवाल, चेतन चोपड़ा, हर्ष अग्रवाल, दिव्यांशु राजपूत, मयंक बिंदल, तुषार राव, हिमांशु मिश्रा, हेमंत मंडावी के 2 साल के निरंतर प्रयास के बाद सफलतापूर्वक काम पूरा किया गया। ध्वज स्तंभ को बुधवार 19 जून को खड़ा किया गया। इसके लिए 2 बड़े क्रेन की सहायता ली गई। ध्वज स्तंभ स्थल रात तक चकाचक हो गया। 15 अगस्त के दिन नए झंडा स्तंभ पर झंडारोहण का निर्णय लिया। अब रेलवे स्टेशन रोड का तिरंगा परिसर की खूबसूरती के साथ शहरवासियों को गर्व का एहसास कराएगा। 15 अगस्त पर यहां रंगारंग आयोजन भी होगा। पूरे क्षेत्र में लाइटिंग होगी ताकि राष्ट्रध्वज अधिनियम का अक्षरशः पालन हो सके। जहां तिरंगा लगेगा उसके आसपास सौंदर्यीकरण व विशेष लाइटिंग की व्यवस्था होगी। टीवन इंडिया न्यूज के लिए नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। जनपद बेमेतरा में विद्युत विभाग द्वारा बरसात के पूर्व बिजली संधारण संबंधी कोई तैयारी नहीं की गई। जगह जगह झूल रहे बिजली के तार, खुले में पड़े ट्रांसफार्मर के कटआउट और 36 डिग्री झुके बिजली के पोल हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, जिसको लेकर विद्युत विभाग सजग नहीं है, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। बिजली की चपेट में विगत वर्ष कई जानवर आकर मारे गए। बेमेतरा नवागढ़ मार्ग पर सैकड़ों से अधिक पोल झुके पड़े हैं, तार जमीन छू रहे हैं, जिससे कहीं भी अनहोनी हो सकती है। वहीं बरसात के पूर्व तैयारियों को लेकर विभाग केवल कागजों में मेंटेनेंस कार्य कर रहा है। वहीं मामले में DEJS चौधरी ने कहा कि बरसात पूर्व संधारण कार्य जारी है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, साझा। शंकरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दोहना के पूर्व माध्यमिक शाला तथा प्राथमिक शाला के कैंपस से लगभग 70 बोरी कोयला बरामद हुआ है। आपको बता दें, प्रदेश में स्कूल का आज ताला खुला है और ताला खुलने के साथ स्कूल के कैंपस में कोयला बरामद हुआ है। मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसके बाद जाँच की जाएगी। आपको बता दें, स्कूल कैंपस से कोयला बरामद होने पर यह आशंका जताई जा रही है कि कोयले के इस गोरख धंधे में स्कूल के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि स्कूल कैंपस में कोयला आया कहां से। आपको बता दें, सरगुजा जिले के शंकरगढ़ का जगीमा पटना इलाका कोयले के अवैध उत्खनन के लिए पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। अब सवाल उठना या लाजमी है कि आखिर कोयले के काले धंधे में बच्चों का भविष्य सुधारने वाले शिक्षक कब से संलिप्त हो गए हैं। फिलहाल मौके पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी तथा शंकरगढ़ थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं और प्रारंभिक जाँच में यह स्पष्ट हुआ है कि कोयला स्कूल के ही शिक्षक कलामुल्ला अंसारी, पिता जहीरुद्दीन अंसारी का है। प्रारंभिक पूछताछ में शिक्षक ने बताया कि ट्रैक्टर से जब कोयला लोड करके ला रहा था तो ट्रैक्टर खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसने कोयले को सरकारी स्कूल के कैंपस में उतार दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धीरज कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट, सरगुजा। गौरेला में दिन दहाड़े धारदार हथियार से युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में पतासाजी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे वारदात को अंजाम देने वाले हथियार को बरामद किया है और पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी है। ये पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के अमरकंटक रोड इलाके का है, जहां पर नर्मदा स्टूडियो के नाम से दुकान का संचालन करने वाले राहुल दीवान आज जब दोपहर अपने दुकान में बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग बाइक में सवार होकर वहां पहुंचे और धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस सभी दशाओं में जांच कर रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी की माने तो आरोपी बाइक में सवार होकर वहां पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से वहां से भाग गए। वहीं गौरेला में दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात के बाद जहां लोग सकते में हैं, तो वहीं पुलिस इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग या छेड़खानी वजह मानते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है। कौन लोग मार सकते हैं? मम्मी किसके ऊपर सकते हैं आप लोगों को? किसके ऊपर कुमार लोग मारे, मेरे भाई को धमकी दिए थे कि चाकू से मर्डर करेंगे। कब धमकी दिए? उसकी शिकायत कभी करे? हाँ, उसकी FIR करवाए पुलिस में। पुलिस कुछ परेशान हो जाओ, कुछ नहीं करी, इसीलिए आज ऐसा हुआ। मेरे भाई को मार दिया। मेरे क्या लगता है क्या कारण रहा? मैं दुश्मनी हूँ। नहीं, कुछ बात रही होगी, कुछ लड़ाई झगड़ा पहले से कुछ? वो लड़की की वजह से मार रहा है। वो लड़की है ये? वो लड़की उसके यहाँ की। क्या लगती है? उसके साथ प्रेम संबंध था? हाँ। शादी करने वाले थे जी। क्या था पूरा मामला? मम्मी से पूछो। देवान जी था सामने, राहुल। क्या काम करता था आप? क्या
रखी है सामने, तो स्टूडियो वाला मतलब बॉडी बॉडी करता है शादी होगी तो यहाँ पास स्पीकर अंदर से भी निकले दौड़ते भाग रहे थे। कितने लोग रहे भी हम लोग? 3-8 लोग रहे बाइक में। बाइक में भागे हैं? और उसके बाद कैसे पता चला कि घटना हो गई आपको? अब उधर से देखे आवाज आ रहा था चिल्लाने उल्लाने की, उसके बाद आपको पता चला कि ऐसा ऐसा घटना है। सामान दे रहा था। तो ऐसा लगता है कि 3 लोग ही मने करे हैं, क्योंकि एक जन के बस की बात नहीं है। क्यों भैया, राहुल थे कैसा लड़का था? मेरे को नहीं मालूम है। राहुल को चाबी घटना मेरे को मुड़ा था कि सब कुम्हार लोग हैं। उन्हीं लोग के यहाँ एक लड़के को गिरफ्तार भी किया, पुलिस कुछ लोगों को अभी उठाई है, उन्हीं का परिवार था। उसको मैं धमकी दिया था, तो 3 दिन एक दिन आया था घर में, मेरे से पूछे राहुल कहाँ है, माँ बोली मेरे को नहीं मालूम कहाँ गया राहुल। उसके बाद कुछ दिन के बाद पुलिस केस हुआ, जो कुछ हुआ, लड़की भी थाना में थी, उसका बाप भी थी, अपने बाप से पूरा बयान दी। उसके बाद सब ठीक ठाक हो गया, थाना से वो गया, बोला कि आप आ जा रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला, सब हो गया है, लड़की बयान दे दी है। लड़की भी शादी करना चाहती है? लड़की भी शादी कर, हाँ लड़की बोल रही थी मैं शादी करूँगी। सब बोले कि तुम्हें पढ़ाई कर रहा, पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारा शादी कर देंगे, फिर हो गया। उसके बाद 10-15 दिन बाद राहुल बोलता माँ जबलपुर धमकी दे रहा मेरे को कि जबलपुर से गुंडा मंगवाऊंगा तुमको मारने के लिए, तुम जो रोज घर जाते हो, तुम्हारे कुछ एक गाड़ी रहता वो जबलपुर का गाड़ी है, तुम्हारा जान ले लेंगे हम। मेरे को आके बोला, मैं मामा भाई लोगों को बोली संजीत देखा ऐसा ऐसा बोल रहा, तो मैं बोली थाना में FIR दर्ज करवा दे। वो थाना गया, वो FIR भी दर्ज करवा के आया कि ऐसी धमकी मिला करके। पुलिस क्या कार्रवाई करी उस धमकी पे? अब नहीं करी, मेरे कुछ नहीं बताया, लेकिन बोला मैं FIR दर्ज करवा दी हूँ। वो उसके बाद सब शांत हो गया, मेरे को नहीं मालूम। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, आंटी कोई कागज वगैरह FIR का कुछ है? कहा लेकिन कहाँ रखा नहीं मालूम, मैं लूडू के बाद में मेरे को पूरा दिखाया, लैपटॉप वाला बैग में दुकान में रखा था, सब उसी में रखा उसका। मैं बोली तू घर में रख दी, इसको ले लेके मत घूम, कभी छीन चाल लेंगे। बोला नहीं माँ मैं दुकान में पूरा कहा गया, उसका पूरा लड़की का बयान पूरा चीज रखाया उसका लैपटॉप वाला बैग में। क्या लगता है वही वजह है जो हत्या की? वही है, क्योंकि धमकी भी दे चुका है मेरे को, पूरा 100% है, गुनी के ऊपर है, पूरे गुने गुने है। क्या नाम है उन लोगों का? उसका नाम लड़की का नाम तो ज्योति है, और उसका बाकी से मैं कभी देखी भी नहीं। मामा धमकी दिया था कि मैं मार डालूंगा, जबलपुर से कई बार धमकी आ चुका है। फोन करते थे वो लोग? हाँ, फोन में धमकी देते थे। घर में भी आके एक दो बार कुछ करेंगे क्या? घर में राहुल से घर में कभी नहीं आया, गेट के बाहर आए थे एक बार, 3 जने आए थे धमकी देने, धमकी नहीं दिए मेरे को, पूछे राहुल कहाँ करके, मैं बोली मेरे को नहीं मालूम कहाँ दिया गया है। बताइएगा। मेरा नाम रंजीत मोहन है, वो मेरा भांजा है राहुल जवान जी नाम जी। क्या हुआ आज उसके साथ? हम लोग घर में थे, वो दुकान में बैठा हुआ था, वो बाजू वाला गैरेज वाला लड़का आया, बोला कि उसको चाकू मार दिया करके, तो हम लोग दौड़ के आए, वो तब तक बाजू वाले गैरेज में था, मैं हाथ छू के देखा तो नसने चल रहा था, तब तक पुलिस वाले वो लोग आए। हम देखा किससे विवाद था इसका? वो नरेश चक्रधारी है, कई बार जान से मारने का धमकी दिया है। उसकी शिकायत उसकी लड़की खुद थाने में FIR करी है उसके खिलाफ कि मेरी लड़की को लोग जान से मतलब मेरे को राहुल को जान से मारने का कर रहे थे। तो राहुल का उसकी लड़की से कुछ? हाँ, कुछ उसका फोन में बात बात होता है, बात हो रहा था। तो क्या उसकी बेटी के साथ इनका कुछ? हाँ, बातचीत होता था फोन में, बात करता, प्यार मोहब्बत थी जैसा भी होगा। तो प्यार मोहब्बत में उसने चाकू मार दिया इसके परिवार को? हमेशा जब बोलता था मैं जबलपुर से अपने रिश्तेदार को बुलाऊंगा भांजे को, इसको मारवा दूंगा करके, तो हम लोग सोचे कि हल्का में ले रहे थे कि ऐसा नहीं करेगा, हम लोग समझा भी दिए थे, तो ये बातचीत नहीं करता था मतलब 2-3 महीने से लगभग बातचीत नहीं था। ये क्या दुकान में घुस के मारे? दुकान में घुस के मारे हैं। फिर वो कितने लोग रहे भैया जो हमला कर रहे हैं? जानकारी किसी से बातचीत हुई होगी? बाजू वाला भी बोलता है मैं गैरेज में नहीं था करके, कोई बताने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन हत्या दिन दहाड़े हुई है। दुर्गेश के तरीके यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, कहीं हो सकता है उसमें कुछ आया। क्या दुकान से बाहर निकाल के मारे? नहीं, अंदर में ही था, वो जब उठा है ना बाहर आके गिरा है, दुकान के अंदर भी ब्लीडिंग हुआ है।
नाम बताइए भैया। रंजीत मेरा भांजा। हत्या का एक मामला है, क्या निकल के आया अभी तक सर, क्या जांच चल रही है? जी आज गोरला पुराना बाजार की पत्नी के माध्यम से ये सूचना मिली कि हरेश कबीरिया अमरकंटक जाने के मार्ग में एक नर्मदा फोटो स्टूडियो है, वहां पे राहुल विद्वान जो पत्रकार टोल रहने वाला है अपना फोटो दुकान खोलकर जीवन यापन कर रहा है, जिनकी लाश नहीं था घायल स्तंभ पड़ा हुआ है। यह सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल थाना गोरले से पहुंचकर मौके पर पदस्थापित की, जहां घायल स्तंभ मिला जिसे इलाज के लिए तत्काल गोरेला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज गोरेला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा चेकअप करने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई। सर अभी कुछ संदिग्धों को उस मामले में उठाया गया है, सर क्या क्या निकल के आया मामला? अभी तक 3 संदिग्धों को पता चला है जिनको हमने हिरासत में लिया है, जिनकी पूछताछ की जा रही है। एक चाकू भी बरामद हुआ है? एक चाकू मिला है, एक संदिग्ध जो है करण कुमार चक्रधारी। शुरुआती पूछताछ में क्या? शुरुआती पूछताछ में यही पता चला है अब तक के पूछताछ अगल बगल वालों से कि हत्या ही सामने प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई है। ये अभी पता चला है कि जो मृतक आरोपी के बहन से छेड़छाड़ करता था, जी ब्लैक मेल से बोल देता था, ये लगातार बदस्तूर जारी रहा, जिसे मना करने पर भी नहीं माना और इस गुस्से में आकर तीनों मतलब है करण योगेश और रोहित। सर इसमें एक शख्स जबलपुर से भी बुलाया गया रहा। जी दो करण और जो योगेश बता रहा हूँ वो सबके भाई हैं, जो करण की बहन से छेड़छाड़ करता था बेटा। सर इसमें आरोपी है तीसरा शख्स है जो जबलपुर का जो रिश्तेदार है रोहित जी। सर एक महत्वपूर्ण इसमें बात यह भी है कि लड़की को कुछ दिन पहले थाने में लाया गया था, क्या प्रेम प्रसंग की भी कोई बातचीत हुई थी, उसकी शिकायत भी दर्ज हुई थी? नहीं ऐसी बात नहीं आई, तो झगड़े की बात आई थी मारपीट की। और लड़की थाने में कोई ऐसा बयान दी थी कि मैं लड़के से शादी करना चाहती? नहीं ये बात अभी सामने नहीं है, इस पहलू में भी जांच की जाएगी। जी योजना जारी है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, पेंड्रा, जहां एक ओर देश में पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले या प्रताड़नाओं की घटनाएं आम हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे विपरीत हालातों का पत्रकार भी अब संगठित विरोध करने लगे हैं। ताजा मामला रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंघनपुर में ईटीवी भारत के संवाददाता उमेश जायसवाल पर समाचार प्रकाशन के विद्वेष को लेकर जानलेवा हमला किया गया। हमला पूरी तरह से सुनियोजित था, इसके लिए एक छद्म आईटी वाली युवती का उपयोग किया गया, जिससे पत्रकार का परिचय महज 2 माह पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। घटना के दिन पत्रकार किसी काम से रायगढ़ आया हुआ था, युवती के रिक्वेस्ट के बाद हमले वाली जगह पहुंचा, जहां पूर्व नियोजित तरीके से हथियारबंद हमलावर पत्रकार की कार के सामने 2 स्कॉर्पियो वाहन में आए। उन्हें देखकर युवती उनके साथ होली और हमलावरों ने एकाएक पत्रकार पर लाठी डंडे और लोहे की राड से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान उनकी आईटन कार को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं जिसके बाद दूसरे दिन पत्रकार पर हमले की खबर शेष पत्रकार साथियों को लगी। इधर अज्ञात हमलावरों पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 323, 324, 394 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार हमले में शामिल लोगों की खोजबीन में लगी हुई है। इधर घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पत्रकारगण दोपहर 1 बजे लिखित ज्ञापन लेकर सीधे जिला पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के कार्यालय पहुंच गए, जहां घटना को गंभीरता से लेकर पत्रकारों ने हमले की निष्पक्ष जांच करते हुए सभी हमलावर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पत्रकारों की मांग पर पुलिस अधीक्षक ने सहमति जताते हुए प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं घटना को लेकर जिले भर के पत्रकारों ने सैकड़ों की संख्या में समर्थन देते हुए पुलिस कार्रवाई में लेट लतीफ होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए पत्रकारों पर हमला लगातार हो रहा है और निश्चित रूप से भूपेश सरकार इसके लिए चिंतित है, इसीलिए जो एक नियम कानून बनाने की बात थी पत्रकार सुरक्षा के लिए, तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए और लगातार ये मामले आ रहे हैं। और खासतौर पर रायगढ़ की बात करें तो अगर ये जो घटना हुई है काफ़ी ही दुर्भावनापूर्ण ढंग से सुनियोजित तरीके से, और अब तक पुलिस को कार्रवाई करके और सलाखों के पीछे उन आरोपियों को डाल देना चाहिए। पता नहीं किस वजह से अब तक आरोपी बाहर हैं, हम शीघ्र इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर गिरफ्तारी जल्दी होगी तो क्या करेगा पत्रकार जगत? पूरा पत्रकार जगत सड़क पर उतरेगा, न केवल रायगढ़ का बल्कि पूरे प्रदेश स्तर का। देखिए काफ़ी निंदनीय मामला है कि पत्रकार अपने पारिवारिक मित्रों के साथ पिकनिक मनाने आता है, उसी दौरान उसका प्राणघातक हमला होता है। ऐसे में पुलिस बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे। ये पूरी प्रेस क्लब और बाकी पूरी प्रेस बिरादरी एक साथ है
और कार्रवाई नहीं होने पर हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ऐसे कम मौके आते हैं जब पत्रकार अपने निजी मामलों को लेकर जाता है और कहीं उसका हमला हो जाता है तो पुलिस सक्रियता दिखाने के बजाय उसको दबाने में लग जाती है। इसमें भी शायद राजनीतिक हस्तक्षेप है, तो हम चाहते हैं, पूरी बिरादरी चाहते हैं इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच हो, संबंधित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा पत्रकार जगत चुप नहीं बैठेगा। पत्रकार पर हमले के विषय में कुछ अपराध दर्ज हुए हैं, क्या है मामला? गुरुदेवपुर थाना क्षेत्र में इसमें अपराध दर्ज हुए, जिसमें सभी प्रकार से जितने भी प्रक्रिया धारे हैं मारने की प्रयास प्रयास सभी इसमें अपराध के हल गए हैं, अपराध के अध्यक्ष किसी कार्रवाई की जाए और अपराध में जो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक हमारी जो बातें हुई हैं संबंधित प्राप्ति उससे जितने विषय हैं उसको जाँच करें और बहुत जल्दी आज ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारे रायगढ़ जिले के हमारे जिला पत्रकार उसी के संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उसके उसके लिए। TVN इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। प्रशासन कहता है शासन प्रशासन का सहयोग करें, जब प्रशासन को सहयोग करने की कोशिश करते हैं तो शासन प्रशासन गहरी नींद भांज रही हो तो कोई प्रशासन को जगाए तो कैसे। भानु प्रतापपुर क्षेत्र में जिला प्रशासन के पाबंदी के बाद भी खुलेआम बोर खनन का अवैध कारोबार हो रहा है। गिरते जलस्तर को देखते हुए शासन प्रशासन ने बोर खनन पर रोक लगाई है, कई जगह खनन करते मशीनें नजर आ रही हैं। आपको बता दें बिना परमिशन के अवैध तरीके से बोर का खनन किया जा रहा है। पूर्वा में भी, मालवीपारा कोरर में भी, साधु डावी के भाई जो बाहर चारमा क्षेत्र में रहता है जिसके खेत में भी अवैध तरीके से बोर खनन करते पाया गया, जिसकी सूचना अनुभागीय अधिकारी राजस्व विभाग भानु प्रतापपुर को दिया गया था, लेकिन क्या कार्रवाई होती है ये तो अधिकारी ही जाने। वहीं अवैध खनन माफिया दादागिरी भी करते हैं, अवैध कार्य करके दादागिरी कर रहा, इसे साबित होता है कि पुलिस प्रशासन भी उन्हें संरक्षण दे रहा है, क्योंकि शिकायत के बाद बोरगाड़ी मुनीम के पास पुलिस के कर्मचारी का फोन जाना, जब नियम कानून रक्षक ही नियमों को तोड़ते चंद्रूपियों के लिए भक्षक बन रहे हैं तो देश का क्या होगा। TVN इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। राज्य शासन द्वारा भूमिया ऐप किसानों की सुविधा के लिए तैयार किया गया, लेकिन इस ऐप से किसानों को सुविधा की बजाय असुविधा हो रही है। गंभीर त्रुटि के चलते वास्तविक किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते ये बात साझा मुख्यालय में सामने आई, जिसे लेकर अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वही किसानों को हो रही तकलीफ को जल्दी निजात देने की मांग भी की। दरअसल क्या है, अभी जैसा कि भूमिया ऐप चल रहा है शासन के द्वारा, और उस भूइया ऐप में जो है वास्तविक स्थिति किसानों की, मान लो जिसके नाम से ऋण पुस्तिका है उसी के नाम से B1 खसरा नक्शा निकलना चाहिए, लेकिन हो ये पा रहा है कि जिसके नाम से B1 है उसके नाम से ऋण पुस्तिका में नाम तो है लेकिन B1 में उसका नाम नहीं हो पा रहा है वास्तविक किसान का, और इससे काफी असुविधा हो रही है। जब कंप्यूटर में आदमी भूइया शाखा में उसकी नकल निकलाने के लिए कृषक जाता है तो उसमें कृषक का नाम जो है वास्तविक रूप से जिसका नाम रहता है वो नहीं आ पाता है, और इसके कारण दिक्कत ये हो रही है कि किसी को लोन लेना है, किसी को अपने खाद बीज के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना है, या किसी को जमीन बिक्री करना है इत्यादि, तो उसमें काफी असुविधा हो रही है। लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में रोज आते हैं और काफी भटक रहे हैं। दूसरा मुद्दा इसमें यह है कि साझा क्षेत्र में, जो खासकर साझा अनुभाग के अंतर्गत अपन ये कहें कि किसानों के सीमांकन अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, काफी दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है लेकिन आज तक उसके सीमांकन नहीं हो, सीमांकन नहीं होने की वजह से किसानों की वास्तविक भूमि का ज्ञान नहीं हो पाता है, और उसी के चलते विवाद की स्थिति निर्मित होती है। चूंकि शासन का नियम है 15 जून के बाद सीमांकन नहीं होगा, इसलिए सीमांकन नहीं हुआ है। बीच में राजस्व अधिकारी लोगों की, आरए लोगों की हड़ताल चल रही थी, इसलिए काम प्रभावित हुआ है। हमारा ये कहना है कि तत्काल मौके पर जाकर जितने सीमांकन के प्रकरण उसका निराकरण करें और सीमांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को न्याय दिलाया जाए। किन किन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं? हमने इस संबंध में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को ज्ञापन पत्र के माध्यम से भेजा है, माननीय क्षेत्र के कृषि राज्य मंत्री है उनको भी पत्र के माध्यम से यहाँ सूचित किया है, और हम कल जिला कलेक्टर महोदय के पास प्रतिनिधि मंडल लेकर जा रहे हैं, उनसे रूबरू बात करेंगे और जो किसानों के संबंध में जो समस्या आई है उसका निराकरण करने के लिए उस दिशा में हम लोग चाहेंगे उनसे चर्चा करके कि इसका। TVN इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, धमधा।